जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 60 केंद्रों पर शनिवार को 13,145 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,548 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 11,597 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में ACMO नीरज पांडे ने बताया कि 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा 2 महिला स्पेशल बूथ सहित 60 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया गया। ACMO नीरज पांडे ने बताया कि शनिवार को सरकार द्वारा 16,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं, जिससे जिले को कोरोना मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ACMO नीरज पांडे ने कहा, आज कुल 60 जगहों पर कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज शनिवार का दिन है, हमारा नियमित प्रतिरक्षण का दिन होता है और साथ ही कोविड टीकाकरण में हम द्वितीय डोज लगाते हैं। द्वितीय डोज पर हमारा फोकस इसलिए है कि जब तक हम टीके की दोनों खुराक नहीं लगवा लेते तब तक हम पूरी तरह प्रतिरक्षित नहीं हो पाते। आज का लक्ष्य हमारा 16,000 का था। जनता से क्या है? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने टीके की दोनों डोज जरूर से जरूर लें, क्योंकि बिना उसके आप पूरी तरह प्रतिरक्षित नहीं हो पाते हैं। बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगावें और इस प्रकार कोरोना से खुद को बचावें और समाज को बचावें।